أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه ला तो बइ्य नन्न ला से तक तो फ़ना बजू रश्तरो आयतें हैं सुर आल इमरान की आयत नंबर वन एटी सिक्स वन एटी सेवन और चौथा सपारा है अलबत् फरमाया अलबत् तुम्हें तुम्हारे मालों और जानों और तुम्हारे जानों के बारे में ज़रूर आज़माया जाएगा और तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर किया ज़रूर तकलीफ़ देने वाली बातें सुनोगे और अगर तुम सब्र करो और परहेज़गारी अख्तियार करो तकवा अख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है ये अज़म बहुत मतलब ये मामूली बात नहीं है बहुत बड़ी बात है ये हर एक के बस की बात नहीं है और जब अल्लाह ने लोगों अहद लिया जिन्हें किताब दी गई थी कि तुम इसे लोगों के सामने जरूर बयान करोगे ना तुम जरूर लोगों के सामने इसे बयान करोगे और इसे हरगिज नहीं छुपाओगे वला तक तुम ऊँह न हो हु। फिर उन्होंने उस अहद को पसे पुष्ट डाल दिया जहूर जहर की जमा है पीठ के पीछे इ, उसको तुमने क्या किया पीठ के पीछे ने पसे पुष्ट डाल दिया और उसे थोड़ी सी कीमत पर बेच डाला बेही कलीला। फिर किस कदर बुरी है वो कीमत जो वो वसूल कर रहे हैं कितनी बुरफा बसा कितनी बुरी है वो कीमत जो वो इसके बदले में अल्लाह ताला अल्लाह ताला का दीन और अल्लाह की किताब के एवज में उ रहे हैं वो कितना यानी बुरा है उनके लिए लतुबलवन्ना आप वैसे भी उर्दू में भी कहते हैं बला ठीक है ये उसी तरीक़े का सीगा है ये खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसम के सामने मौजूद सहाबा कराम से भी है और आम मुसलमानों से भी है और ये कि आइंदा भी जानो माल में तुम्हारी आजमाइश होगी और तुम्हें हर किस्म की कुर्बानियाँ पेश करना होंगी जैसे यानी माल की जमा क्या है अमवाल ठीक है यानी माल की भी माल का नुकसान हो जाना अमवाल का तल्फ हो जाना और बीमार पड़ जाना और भी मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किल आती रहती हैं अहल किताब और मश्रक की ज़बानों से तुम्हें इंतहा दिल आजारी और यानी तकलीफ़ दे तानशनी और बेहुदा गुफ्तु और झूठे इल्ज़ाम सुनना पड़ेंगे जैसा कि मुनाफिन ने हर तरह सताया सुरय मनाफ़ून में और सूर्य तोबा में इसकी तफसील बयान हुई है उसके अलावा काब बिन अशरफ यहूदी ने रसोल्ला सल्लल्लाहु अल्लाह तल और साहब कराम रदी अल्लाह तुम की हिजो भी की और अपने कसायद में मुसलमान ख़वात का नाम लेकर क्या किया उनको अशार के उसने कहे अपने अशार में मगर उन सब का इलाज क्या है उनका इलाज ये है कि तुम सब्र करो यानि सबक़ कदमी और इस्तलाल से काम लो और अल्लाह तकवा अपने दिलों में रख रखो अगर सब्र और तकवा से इन आजमाइशों का मुकाबला करोगे तो ये नहायत हिम्मत और हौसले और अज़मी का काम है आप सल अलैहि सल्हुस के सहाब कराम ताला हमेशा सब्र तकवा से काम लेते रहे यहाँ तक के हालत जंग में भी ना उनकी तरह कोई ऐसी जबान से कलमा निकाला ठीक है बदजुबानी बदजुबानी से कोई काम नहीं लिया और ना मलली तौर पर इस तरह की कोई दिल आज़ारी वाली कोई गुफ्तु की ठीक है जिस तरह उन लोगों ने की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तसम के सब्र से मुतिक एक हदीश शरीफ़ है बुखारी बुखारी शरीफ में हदी शरीफ़ है वो हम आपको सुनाते हैं वैसे तो अहादीस बेशुमार हैं आप सल्ला वसम के सब्र तो इस्तलाल पर हदी शरीफ़ यह हैज़रत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तालमा वो बयान करते हैं कि रसोल्ला सल्ला सल्म ने गधे की सवारी को इख्तियार फरमाया जिस पर उस वक्त शहर फदक की बनी हुई एक मोटी चादर थी और आपने उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तुमा को अपने पीछे सवार फरमाया और आप सल्ला वसम का मकसद बनू हारिस बनी हजरत में जाकर हज़रत बिन उबादा रदी अल्लाह तहु की क्यादत करना था वो भी मारते जबकि ये बदर से पहले का वाक़ है उस वक्त जंग बदर नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी मजलिस के पास से हुआ यानी एक मजलिस लगी हुई थी और आप की जो गुजरगाह थी जिससे आप गुज़र कर जा रहे थे तो उसमें उस मजलिस में अब्दुल्ला बिन उबई इबन सलूल भी बैठा हुआ था जो मुनाफिकों का सरदार था और उसने अभी अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था यानी अभी उस वक्त तक वो क्या था मुनाफिक ही था यानी यहूदी था उस मजलिस में मुसलमान मुशरक़ बुत और यहूदी हर किस्म के लोग मौजूद थे उस मजलिस में हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तहु भी मौजूद थे मजलिस को जब जानवर के चलने की वजह से जब जाहिर है कि आपको पता है कि जब मिट्टी पर जानवर चलेगा तो गुबार उड़ता है ठीक है तो उसकी वजह से गुबार उड़ने लगा और गुबार उड़ गुबार ने उस मजलिस को ढाँप लिया क्योंकि जहर धूल मिट्टी की वजह से फिर वो ऐसा होता है ना कि धुंधला हो जाता है तो जब वो मजलिस में गुबार हर तरफ छा गया तो अब्दुल्ला बिन उबै ने अपने नाक को अपनी चादर से छुपा लिया और कहा कि हमारी मजलिसों को आ, आ, गुबार आलूद ना करो ये बतौर तंस और ईजा पहुंचाने के लिए बात उसने कही ने सलाम किया कुछ देर के लिए आप अलैहि वसल्लम ठहर गए फिर सवारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए और हाज़री ने मजलिस को अल्लाह ताला के दीन के तरफ़ दावत भी दी और कुरान मजीद भी पढ़कर सुनाया अब्दुल्ला बिन उबैई कहने लगा शख्स ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उसने कहा तुम यानी जो हमारी मजालस में आकर के दीन की तरफ यानी हमें ये बात यानी कहते हो अगर ये हक़ हाँ है तो इससे ये अच्छा है कि तुम हमारी मजलिसों में हमें ईज़ा ना दिया करो नाउज़बिल्ला अपने घर वापस चले जाओ जो तुम्हारे पास आए तो उसे ये पढ़कर सुनाओ नाउज़िल्लाफरल्ला उसने आप सल्लल्लाहु ती व् की तबलीग को इस तरह तानो के ज़रिए से आप सल्ला वम को ईज़ा पहुँचाई तो ये सुनकर अब्दुल्ला बिन रवााह ने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप हमारी मजलिसों में ये पैगाम लेकर ज़रूर तशरीफ़ लाया करें आप तशरीफ़ लाएँ हम आपकी तशरीफ़ आवरी को बहुत पसंद करते हैं इससे मुसलमानों मुशरिकों और यहूदियों में गाली गलोच शुरू हो गई हती करीब था कि वो एक दूसरे पर हमला आवर हो जाते रसूलुल्लाह रसोल्ला सला वल्म उन्होंने ठंडा करते ठंडा करते हुए आपने फ़रमाया यहाँ तक कि वो सब खामोश हो गए फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम अपने सवारी पर सवार हो गए हती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन उबादरद्ल्ल्ल्ला के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे फ़रमाया या साद आपने उनको फ़रमाया कि साद क्या तुमने सुना क्या तुमने सुना नहीं कि अबू हबाब ने क्या कहा है आपका इर्शाद अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसकी तरफ़ इशारा था कि उसने ये बात कही थी तो साद नेर्ज़ी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमा दें यानी आप उसे फरमा दें और दरगुजर फरमाएँ उस ज़ाती गिरामी की कसम जिसने आप पर किताब को नाजिल फ़रमाया है अल्लाह ताला इस हक़ को ले आया है जिसे उसने आप पर नाजिल फ़रमाया है उस शहर वालों ने यह प्रोग्राम बनाया था यानी जिस शहर में हाँ हैं इस। तो इस शहर वालों ने यह प्रोग्राम बनाया था कि उसे ताज पहनाएंगे उसकी ताजपोशी होगी और उसके गिरद जमा होकर उसे अपना सरबरा सरदार बना लेंगे जब अल्लाह ताला ने आ, जब अल्लाह ताला ने इस बात का इस हक़ को भेज कर इनकार यानी उसकी सरदारी को यानी रद्द कर दिया गया कि यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि असम नबूत और रसारत लेकर तशरीफ़ ले आए आपको अता किया है तो ये ग़स्से से तिलमिला उठा है और आपने जो मुशाहिदा फरमाया है ये उसी ग़ुस्से ही का इज़हार है तो रसोल्ला सल्ला वल्स फरमा दिया तो जैसा कि अल्लाह तुकम दिया है रसोल्ला सल्ला वसल् और हज़रत साहब कराम रज़ी अल्लाह तहम मश्रक़ों और अहल किताब को फरमा दिया करते थे और उनकी तरफ से पहुँचने वाले ईज़ा पर सब्र किया करते थे यहाँ ये यह जो अल्लाह ताली ने इशात फरमाया वरातमिन लज़ीना अबुल किताब मिन कब्लिका अशरकु अदन कसीरा और अपने से पहले अहल किताब और लोगों से जो मुशरिक हैं उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी इज़ा की बातें सुनोगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है वद्दा कसीरु मिन किताब लो यादून गुम कुफ़ारन हसादम्बाद मातब फ़ाफो बकरा में अल्लाह ने फ़रमाया बहुत से अहल किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ले आने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें हालांकि उन पर हक़ जाहिर हो चुका है तुम माफ करो तो तुम माफ करो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेजे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी आपका तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक माफ फरमा दिया करते थे यहां तक कि अल्लाह तआला ने उनके बारे में जिहाद का हुक्म नाजिल फरमा दिया जब रसोल्ला सल्ला वसल् ने जंग बदर लड़ी और अल्लाह तै ने बड़े बड़े सरदार जो क्रैश के थे उनको मैदान बदर में अल्लाह ने उनको जलील किया और वो सब जहन्नम रसीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल और उसके मश्रक़ और बहुत बुतप्रस्त साथियों ने कहा कि ये अमर तो अब गिब आ गया है लिहाज़ा उन्होंने वाले के दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बयान करके अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर दिया यानी अभी तक जो बाहिर इस्लाम की दुश्मनी कर रहे थे अब यानी ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के फहर उसमें दाखिल हो गए जितने भी एमबिया सलातम तशरीफ़ लेकर आए जितने भी रसूल सलाम अल्लाह की तरफ़ से आए जो भी हक़ लेकर आया जिसने नेगी का हुक्म दिया या बुराई से मना किया तो उसे ज़रूर ईज़ा दी गई तकलीफ़ दी गई और अल्लाह ताला के रास्ते में हर मुसाफिर के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कोई चार कार नहीं है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में दी गई तकालीफ पर सब्र करे और अल्लाह ही से मदद तलब करे और हर हाल में अल्लाहजल की ज़ात ग्रामी ही की तरफ रुजू करे और उसी पर भरोसा करे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहले ही आगाह फरमा दिया कि मदीने की जो यानी ग़ैर मुस्लिम आबादी है और जो मुशरिक हैं और अहले किताब से अच्छे सलूक की तो आप लोग मत रखो वो तुम्हारे जान भी और माल हर चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे और वो तुमको हर तरह से सताएंगे और आप लोगों के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोबगंडा और किस्म की मुहिम भी वो चलाएंगे और आप सबके लिए तरह तरह से क्या करेंगे तानो तशनी के नए नए अंदाज़ इख्तियार करेंगे और मतूण करने की कोशिश करेंगे और हमारे महबूब सल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्ला वसम की शान में भी जुबान दराजी करने से वो बाज नहीं रहेंगे ऐसी हालत में आम तौर पर क्या होता है जज्बात मुश्तल हो जाते हैं ज़ुबान और हाथ पर काबू नहीं रहता और इंसान हर तरह की जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने आप को मजबूरन और हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करने के लिए माज़ूर समझता है ठीक है वो समझता है कि अब हमारे लिए इसके बगैर चारा नहीं है कि उनको जवाब दिया जाए और अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये लोग हमारी कमज़ोरी समझेंगे और ये मज़ीद जो है हमें ईज़ा पहुँचाएंगे तो ऐसे ख़तरनाक और ऐसे नाजुक हालात में भी हमें किस तरह का हुक्म दिया कि सब्र करो सब्र इस्तेकामत का दामन छोड़ना नहीं चाहिए हर हाल में सब्र का दामन तुम थामे रखो और अपने बुलंद किरदार पर जमे रहो तो तुम्हारी क्या होगा अजमत इज्जत रिफात में इंसानियत फ़खर करेगी और ऐसा करना हर एक के बस की बात नहीं है बल्कि बड़ी हिम्मत का काम है यह हर कोई नहीं कर सकता अल्लाह अजल्लासा कल्लाजीना यहाँ पर इसमें इस आयत मुबारक में, इस में जो थे अहल किताब के केहल किताब की, की अखलाक़ी पस्ती और खयानत का हाल बयान किया जा रहा है और मकसद ये है किमाय इस्लाम जो हक़ हैं उनके यानी पिछले जो बनी इसराइल के थे उनके रवैये से उनके किरदार से और उनके तरीक़ार सेबरत हासिल करें कि ये खुद ऐसा ना करें लेकिन रसोल्ला सल्ला वाल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत भी वैसे ही बिल्कुल उनके नक्शे क़दम पर चलेगी अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे मीसाक कहते हैं पुख्ता वादा करने को तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान कि पहले किताब से ये वादा लिया गया था कि उनकी किताबों में जो अहकाम दिए गए हैं और नबी आखर उज़मा सल ताला ताली वाल से मुतल जो बशारतें औरतें बयान की गई हैं उनका लानिया इजहार करेंगे और उनको छुपाने के जुर्म का इरतकाम नहीं करेंगे मगर उन्होंने दुनिया तलबी में पढ़कर उसद की कोई परवाह नहीं की और उन अहकाम की भी लफजी और मानवी तहरीफ की और उन बशारतों को जो उनकी किताबों में मौजूद थी उन बशारतों और औरतों को छुपाया तो अल्लाह ने फरमाया फी ऐसा सो बुरा है जो वो खरीदार हैं जिस चीज़ के जो उन्होंने जो ख़रीदा है जो वो ख़रीद रहे हैं वो बहुत बुरा है सो बुरा है जो वो ख़रीद रहे हैं तो इस आयत में ज़मन मुसलमान को भी ये हिदायत की गई है कि वो हक बात को जानते बूझते हुए छुपाने के जुर्म का इरतक ना करें वो ऐसा धीना करें और ऐसा जुल्म भी ना जुर्म भी ना करें ना वो जुल्म करें ना जुर्म करें अपना बचाव करें वरना नुकसान उन्हीं का है दीन इस्लाम तो अल्लाह ताली ने जिसको जहाँ तक पहुँचाना है वो पहुँचा कर ही रहेगा उसमें किसी की दिल की खुशी का कोई अमल दखल नहीं है कौन किस बात से खुश होता है अल्लाह ताला दिन का पैगाम तो हर जगह पहुँचा कर रहेगा कितना ही बुरा माने काफ़िर और कितना ही बुरा माने मुशरिक। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी हिदायत दी उनकी रहनुमाई फरमाई कि देखो उन लोगों ने ऐसा बुरा किया तो कितना बुरा उनका यानी ये सौदा है तुम ऐसा ना करना कि वो तो बात को जानते बूझते हुए छुपाने के जुर्म का इतकब कर रहे थे लेकिन तुम ना करना और हदीस शरीफ़ में रसोल्ला सल्ला तसल् की हदीस मतदर सनदों से सल्लल्लाहु सल्ला वसलम का इरशाद मरवी है मन फ़मह फ़ःत यौम़ियामत बेलिजामार फरमाए रसोल्ला सल्ला वसल् ने जिससे इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने उसे छुपाया तो क़ियामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बचाए तो दीन की जो भी बात आपको मालूम हो वो सही सही बताना चाहिए फ़तवा जब भी आप दें सही फ़तवा दें ये आयत मुबारक हमारे लिए ग़ौर फिक्र दावत दे रही है कि जब भी हमें कोई भी बात दीन की मालूम हो तो सही बात बताएं अगर नहीं मालूम हो तो ख़ामोशी इख्तियार करें और कह दें साफ़ कि हमें नहीं पता हमें नहीं मालूम तो इसमें ज़्यादा आपकी हिफाजत और बचाव है ये अल्लाह ताला की तरफ से उन अहले किताब के लिए जजर व तौबीख और सरजनश है जिस जिनसे अल्लाह ताला ने अम्बियाम की जबानी अहद लिया था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे लोगों में आपका चर्चा करेंगे ताकि वो आपके दीन को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए और जब अल्लाह ताला को मबाउस फरमा दे तो वो आपकी इतबा करेंगे मगर उन्होंने उसे छुपाया और उनसे दुनिया और आखरत की खैर व भलाई का जो वादा किया गया था उसके बजाय उन्होंने दुनिया की हकीर व जलील माल को तरजीह दी बहुत सी बहुत ही बुरा माल है जो उन्होंने हासिल किया और बहुत ही बुरी तजारत है जो उन्होंने की इससे को भी डराया गया है कि वो उनके नक्श कदम पर ना चलें कि कहीं ये भी उससे दो चार ना हो जो हाल उनका हुआ कहीं यही हाल इनका भी ना हो जिससे अहल किताब दो चार हुए थे लिहाजा को चाहिए कि वो अमल साल की रहनुमाई करने वाले अपने नाफे को फैलाएँ और उसे कतान ना छुपाएँ क्योंकि मुख्तफ़ सनदों से मरवी हदीस में नबी करीम सल्ला वम ने जो बयान किया वो हमने आपको आ, सुना दिया कि जिसने यानी कोई दिन की बात छुपाई तो क्या होगा उसके साथ तो इसलिए हमें डरना चाहिए इस हदीस शरीफ़ में जो वाईद है उससे डरना चाहिए दुनिया में तो अगर ज़ाहिर एक फांस भी छुप जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ और इज़ा होती है आग की लगाम कोई मामूली बात तो नहीं है और वो भी कितनी ज़िल्लत आपने देखा होगा यहाँ पर कि जब आप जानवर पर किसी सवार होते हैं घोड़ा हो या ये कि ऊँट हो किसी भी यानी अगर गधा गधा गाड़ी जो है बनाते हैं तो गधे के अंदर या ये कि बैल इनके अंदर क्या करते हैं एक रस्सी ऐसी होती है ना जो आप मुंह की तरफ से दोनों यानी जबड़ों को उठाकर और दरमियान में रस्सी डालते हैं एक इधर से पकड़ लेते हैं उधर से पकड़ लेते हैं उसको कहते हैं असल में तो वो रस्सी आप तसवुर कीजिए कि कैसे कोई यानी वो आग की होगी जिससे आपकी ज़बान भी मुँह भी जल रहा होगा किस कदर जिल्लत होगी क्या हमें इस पर ईमान नहीं है क्या हमारा यकीन नहीं है ज़रा सोचें तो सही कि कैसे इंसान बर्दाश्त कर सकेगा इस ज़िल्लत को और इस तकलीफ़ को अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए तो हमें दीन की बात को छुपाते हुए सौ सो मरतबा सोचना चाहिए हज़ार मरतबा सोचें आप कि कहीं ये अपने साथ हम दूसरों के साथ तो बाद में म और जुर्म करेंगे ये अपने साथ पहले हम कर रहे हैं कितनी बड़ी खयानत है ये अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत करना किताब की बात को छुपाना कुरान छुपाना हक हाँ बात को छुपाना गलत मसला बता देना अपने आप को अपने फ़िरकों को डिफ़ेंड करते हुए इसमें कितना बड़ा सबक़ है हमारे लिए लोग अपने फ़िरक़े को डिफ़ेंड करने के लिए कुरान और हदीस से गलत मसाइल बता देते हैं उनको डर नहीं लगता वो ख़्याल नहीं करते कि क्या कर रहे हैं वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं और बसा अवकात तो इंसान जाहिर है इस जानबूझ कर इस तरह करने से वो काफ़िर हो जाता है वो सोचे तो सही कि उसका ये सौदा कितना बुरा है कि दुनिया की थोड़ी सी वाहवाही के लिए थोड़े से नजरानी के लिए थोड़ी सी तारीफ़ी कलेमात कर हासिल करने के लिए कितना बुरा सौदा वो अपने लिए हासिल कर रहा है अल्लाह ताला हम सबको ऐसे सौदे से बचाए हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आजमाइश तो होगी आजमाइश तो होगी तो ये कि तुम्हें किस तरह से ये इससे अपना बचाव करना है कैसे इससे तुम्हें जो है राहत और सुकून हासिल करना है अल्लाह ने ये तरीक़ा भी बता दिया एक सब्र बताया अल्लाह ताला ने और एक तखबा बताया कि इन दोनों के ज़रिए से तुम जो है क्या कर सकते हो तुम अपने लिए आसानी मुहैया कर सकते हो अल्लाह ताला हम सब को अपनी तरफ से अपनी रहमत से आफ़ियत में रखे तो यहाँ अगर पीछे से हम गौर करें तो सात आयात थी जो आज हमारी मुकम्मल हो गई एटी सिक्स पर वन सेवेंटी नाइन से लेके एटी सिक्स तक सात आयतें होती हैं ये हम आपको थोड़ा सा इसका ख़ुलासा बताते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला ने सात आयत में मजकूर सात आयतों में क्या बयान किया है पहली आयत में अल्लाह ताला ने बुख़ल की मजम्मत और उस पर वायद मस्कूर फरमाई यानी यहाँ पर ज़िक्र फरमाया इसका इसका जो है ज़िक्र है कि बुख़ल की क्या मजम्मत है बखुल कितना नापसंदीदा है यहाँ बयान किया इसको और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने क्या बयान किया दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि यहूद की एक सख्त गुस्ताखी पर तंबी और सज़ा का ज़िक्र बयान किया जिसका वाक़ा यह है कि जब रसोल्ला सल्ला ज़क़ात और सदक़ात के अहकाम कुरान से बतलाए तो उन लोगों ने गुस्ताखी करते हुए ये कहा कि अल्लाह ताली नाऊज़बिल्ला इस्तरल्ला व मोहताज हो गया है और हम मालदार हैं ठीक है जबी तो अल्लाह ताली हमसे मांग रहा है नाऊजबिल्ला असतफ़रुला तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बेहुदा कौल के मुआफ़ उनका एतकाद तो नहीं होगा मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने तकजीब के लिए ये बात कही तो बहरहाल एक तो यहाँ पर ये दूसरी बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई और उसके अलावा इस गुस्ताखी के जिक्र के साथ उनका एक दूसरा जुर्म ये भी ज़िक्र फरमा दिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अम्बिया वसलम की सिर्फ़ तकजीब और नहीं किया सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उन्हों उनको शहीद कर देने से भी इन बाज नहीं रहे ठीक है तो ऐसे लोगों से किसी नबी और रसूल की तकजीब या इसजा पर क्या तजुब हो सकता है यहाँ ये बात काबिल नज़र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल और बहुत से यानी जो अम्बिया आसलाम जैसे कि हज़रतः हरत ज़कर ये सब कब के हैं आप वसल्लम के ज़माने से बहुत पहले के हैं तो यहाँ पर यहाँ बयान क्या किया था अल्लाह ने शायद में बयान फ़रमाया है कि यानी तुम लोगों ने शहीद किया तो इसका ये मतलब है कि वो राज़ी थे इस पर जो कुछ उनके बड़ों ने किया था वो उनके इस फ़ेल पर राज़ी भी थे और खुश भी थे तो इसलिए ये ख़ुद भी उसी हुक्म में थे ठीक है अल्लाह ताला ने इनको भी शामिल फ़रमा लिया इसलिए हमें किसी किसी के भी कोई भी हो जिसने गलत किया है उसको हमें गलत ही कहना चाहिए कभी भी उसका साथ नहीं देना चाहिए गलत का सपोर्ट कभी भी ना करें और यहाँ तीसरी आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने उन गुस्ताखों की सज़ा बयान फरमाई कि उनको दोजख में डाल कर कहा जाएगा कि अब आग में जलने का मज़ा चखो जो तुम्हारे अपने ही अमल का नतीजा है अल्लाह ताला की तरफ से किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाता अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता और यहाँ चौथी आयत मुबारक में यहूद का एक और झूठ और बहतान जिक्र फ़रमाया गया है वो ये कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब के लिए ये ख़िला पेश किया कि पिछले अम्बिया आ सलातम के ज़माने में ये तरीक़ा था कि सदक़ात के माल किसी मैदान या पहाड़ पर रख दिए जाते थे और आसमानी आग उनको आकर जला देती थी खा लेती थी यही अलामत सदकात की कबूलियत की होती थी तो रसोल्ला सल अम्म और आप सल अल्ला की अमत को अल्लाह ते ख़ास फ़रमाया था कि जो सदकात के माल हैं अम सदकात, आसमानी आग की नज़र करने के बजाय मुसलमान फ़क़ीरों मोहताजों को दिए जाते हैं तो चूँकि पिछलेम भी आलतम के तर्ज़ मजकूर के ये तर्ज खिलाफ था इसलिए उसको मुशरकिन ने बहाना बनाया कि अगर आप नबी होते तो आपको भी ये मुजजा आता होता कि आसमानी आग आती और सदक़े का माल उसको खा जाती इस पर मज़ीद ये ज़रूरत की कि अल्लाह ताली पर यह बहुतान बांध दिया कि उसने हमसे अहद लिया है कि हम उस शख़्स पर ईमान न लाएँ जिससे ये मुजज़ा आसमानी आग के आने और माल सदक़ा को जलाने का ज़हूर ना हो शादिर ना हो और ये पाँचवीं आयत है पाँचवीं आयत में अल्लाह ताला ने क्या बयान किया यहाँ बयान फरमाया कि आप सल अलैहि वसल्लम तसल्ली रखें यानी आपको तसल्ली दी गई कि उनके जुटलाने से उनकी तकजीब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन ना हों क्योंकि ये जो मामला है ये तो सभी अम्बिया आ सलाम के साथ होता चला आया है ये आज कोई नई बात नहीं है और अल्लाह ताला ने छठी आयत में बयान फ़रमाया कि हर जान को तो मरना है और मरने के बाद फिर उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा तो दुनिया में जो नेमतें काफ़िरों को हासिल हैं और बाहिर कहीं आपको काफिरों का गलबा नज़र आ रहा है कि काफ़िर जो है गालिब हैं और मोमिन जो हैं वो दबे हैं और दुबके हैं छुपे हुए हैं ठीक है, है? मोमिन क्या है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया था ना कि एक दौर ऐसा आने वाला है आएगा कि दीन पर चलने वाला क्या होगा अजनबी हो जाएगा इस्लाम अजनबी हो जाएगा यानी अनजाना सा हो जाएगा कोई इसको जानने पहचानने वाला नहीं होगा जैसे कि शुरू में अजनबी था जब ये दीन आया था नया नया तो अजनबी था कोई लाला कहता तो क्या होता पत्थर खाता उसको जलती हुई रेत पर लटा दिया जाता यानी बहुत तरह से अजियतें दी जाती उसकी एक लंबी फहरिस्त है तो इसी तरीके से एक ज़माना फिर आएगा कि दीन अजनबी हो जाएगा कोई दीन की बात करेगा तो क्या होगा फिर उसके साथ यही मामलात होंगे और कभी उसको गुस्ताख कह के मार दिया जाएगा कभी उस पर कोई इल्जाम लगाया जाएगा तो फिर भी वो जहर है काफ़िर क्या हैं काफ़िर तो फल फूल रहे हैं वो तो ऐशरत के सामान उनके पास मुहैया हैं जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस मुबारक में तो अल्लाह ताला ने इस आहित मुबारक में ये बात वाज फ़रमा दी इस हकीक़त को वाज़ किया कि अगर कभी किसी जगह काफ़िरों को गलबा ही है हासिल काफिर अगर आप वो नज़र आ रहे हैं और दुनिया की ऐशो पूरी पूरी उनको मिल रही है और मुसलमानों को इसके बरक्स मसायब और मुश्किल और परेशानियों का साम सामना करना पड़ रहा है और दुनिया के इसबाब की तंगी उनको उनके पास है तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है ना ये कोई गमगीन होने की अफसरदा होने की बात है क्योंकि इस हकीकत से किसी मजहब और मशरब वाले किसी मजहब और मशरफ़ वाले को ऐसी और किसी फ़लसफ़ा वाले को इनकार नहीं हो सकता कि दुनिया की रंज राहत दोनों चंद रोज़ा हैं कोई जानदार मौत से नहीं बच सकता और दुनिया की राहत और मुसीबत को अक्सर दुनिया ही में हालात बदल कर ख़त्म हो जाते हैं दुनिया के ऐसा होता है ना बहुत दफ़ा कि दुनिया के जो ये मुश्किल हैं दुनिया ही में ख़त्म हो जाती हैं ज़रूरी नहीं कि मरने के बाद ख़त्म हो और बिलफर्ज दुनिया में अगर आपके हालात ना भी बदलें आप झोपड़ी में पैदा हो और झोपड़ी ही में मर जाएं तो भी क्या फ़र्क़ पड़ता है ठीक है दुनिया में अगर आपके हालात नहीं बदले तो मौत पर तो सबका ख़ात्मा हो जाना है ना ये यकीनी बात है ना इस पर तो किसी का कोई इख्तलाफ है ही नहीं तो अक्लमंद का काम क्या है कि इस चंद रोज़ा राहत और रंज की फिक्र में पड़े रहना नहीं है बल्कि जो मरने के बाद के मामलात हैं उनकी फिक्र करना है कि वहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा उसके लिए आप फिक्र करें इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है वो चखेगा और फिर आखिरत में उसके अपने अमल की जजा सज़ा दी जाएगी उसको उसको मिलेगा जो शदीद होगी ठीक है जो अबदी होगी तो अक्लमंद को फिक्र उसकी करनी चाहिए उसकी फिक्र करनी चाहिए वहाँ की कामयाबी कामयाबी की फ़िक्र करनी चाहिए तो मज़ीद ये कि शायद में ये भी बता दिया कि कामयाब सिर्फ वो शख़्स होगा सिर्फ़ वो होगा जिसको दोजख़ से छुटकारा मिल जाए और जन्नत में दाखला मिल जाए ठीक है तो ये तो हमेशा की कामयाबी है ना ये हमेशा की कामयाबी है तो इसको हासिल करने की कोशिश करें और जो दोजख़ में चला गया वो हमेशा की नाकामी है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि अपने आप को दो से बचाएं और अपने आप को जन्नत में दाखले के काबिल बनाएं ठीक है क्योंकि ये जो नेमत है ये जो राहत है ये भी आर्जी है और ये तकलीफ़ है ये दुख है मुश्किल है ये भी आर्जी है मुसलमान तो आखिरकार जहन्नम से निजात पाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की राहतों और नेमतों के मालिक बन जाएंगे, ठीक है और कुफ़ार इसके बरक्स इसके ख़िलाफ़ उनका ठिकाना दायमी जहन्नम है वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे वो अगर दुनिया के चंद रोज़ा राहत पर महरूर हों तो धोखा ही धोखा है इसीलिए आखिर आयत में फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है क्योंकि अमूमा यहाँ की लज्ज़तें आखरत की शदीद कुलफ़तों का ज़रिया होती हैं और यहाँ की तकलीफ यहाँ की तकलीफ़ क्या है अक्सर बेशतर आखरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती हैं और ये सातवीं आयत है आयत नंबर एक सौ छियासी इसमें अल्लाह ताक़े में नाजिल यानी इसको करके इसको बयान फरमाया कि जिसका ज़िक्र यानी इजमाली अभी मजकूर सदर यहाँ पर दूसरी आयत में यहाँ पर आ चुका है इसका बयान हो चुका है तफसील इसकी यह है कि कुरान करीम में जब आयत मंजल लजी करदन हसन नाजिल हुई जिसमें एक बलीग ान में सदक़ा व खैरात अल्लाह को कर्ज़ देने से ताबीर किया है और इस बलीनवान में इस तरफ इशारा है कि जो कुछ यहाँ दोगे उसका बदला आखरत में ऐसा यकीनी होकर मिलेगा जैसे किसी का कर्ज अदा किया जाता है जब यह आयत मुबारक नासमझ लोगों ने बेवकूफ़ों ने सुनी तो ये सुनकर यह अल्फाज कह दिए कि फ़ीरु व नहन अगनियाँ उन्होंने कहा नागज़बिल्लास्तफ़रल्लाल्ला फ़क़ीर है और हम नी हैं हम मालदार हैं बल्कि यही इसी बात पर हज़रत अबूबकर ताल जब सुना तो उनको गु़स्सा आ गया हालाँकि वो बहुत ही शफीक और शफकत करने वाले थे बहुत ही यानी कहना चाहिए बुर दोबार वो शख्सियत हैंत अबूबकर तन लेकिन अल्लाह ताली की शान में ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सके और एक यहूदी को आपने एक थप्पड़ मार दिया था हज़रत अबूबकर सद्दीक नदी अल्लाह तुन को गुस्सा आया और यहूदी के एक तब पर रसीद किया यहूदी ने बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और जो है इस्लाम या इस्लामी तलिम इस बात को पसंद नहीं करता बहुत ज़्यादा कि बदला लिया जाए या इसमें अपने वक्त को ज़ाय किया जाए तो ये आयत मुबारक नाजिल हुई लतुबलवन्ना पी एम वाल व अनफुम ये बुरी आयत नाजिल हुई कि मुसलमान इस बात से आगाह हो जाएं उनको मालूम हो जाना चाहिए और कुफ़ार मशरकिन और अहल किताब की तरफ से बदजुबानी की ईज़ाओं से उनको घबराना नहीं है उन्हें घबराना नहीं चाहिए ये सब उनकी आजमाइश है और इसमें उनके लिए बेहतर यही है कि सब्र से काम लें और अपने असल मकसद तकवा की तकमील में मसरूफ़ हैं उनकी जवाब दही करने की फ़िक्र में ना पड़ें उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है बसा अवकात जाहिलों को जवाब देना मुनासिब भी नहीं होता जैसा कि अल्लाह ने सूरह फरकान में फ़रमाया कि जब जाहिल उनसे उलझते हैं तो वो क्या करते हैं वो कहते हैं भाई है आपको और अब इस आयत मुबारक में अख़ज़ अल्लाह मीसा कल उतुल किताब इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने अहले किताब के दो जुर्म और उनकी सज़ा का बयान फरमाया है और ये कि उनको हुक्म दिया था कि अल्लाह ताला की किताब में जो भी अहकाम नाजिल हुए हैं जो कुछ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है उनको सबके सामने सामने मन बयान करेंगे और किसी हुक्म को छुपाएंगे नहीं मगर उन्होंने अपनी दुनियावी गज़ की खातिर दुनियावी लालच दुनियावी हिरस, ये लालच और हिरस खुद यानी इतनी बुरी बला है कि इंसान इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता ये दुनिया और आखरत तबाही का बास है लेकिन उन लोगों ने बेसोचे समझे इस ये लालच की वजह से उन्होंने क्या किया अपनी इस नफसानी ख्वाहिश की वजह से अल्लाह ताला की अहद की परवाह नहीं की बहुत से अहकाम को लोगों से छुपा लिया ठीक है और अल्लाह के अहकाम को पसे पुछ डाल दिया भुला दिया गाफिल हो गए उससे और फिर उन्होंने दुनिया का सौदा कर लिया दुनिया को ख़रीद लिया लेकिन मेरा और आपका काम ये नहीं है कि हम दुनिया के ये चंद रोज़ा थोड़े से नफे की खातिर दीन का सौदा कर लें बल्कि बसाओत इंसान लुमे दो लुमे के लिए अपना दीन बेच देता है हमें इन आयात को पढ़ कर अपने लिए सबक हासिल करना है कि हमें हर चीज़ ऐसा नहीं करना भूखे मर जाओ लेकिन कभी भी जो अल्लाह ताला के दीन के अहकाम हैं उनको ना छिपाना ना उनको पसेपुश डालना उन पर सख्ती के साथ अमल दरामद करना और आगे पहुंचाना और यकीन रखना इस पर देखो दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है ये तो आपको नज़र ही आ रहा है अपनी आँखों से इस पर यकीन रखो शक में ना पड़ो और आख़रत का जो कुछ भी मामला बयान हुआ है बिल्कुल हक़ और सच है इसी पर ईमान रखते हुए अपने आखरत की फ़िक्र करते हुए अपने मालिक को राज़ी करो दुआ करो कि अल्लाह ताला इसी पर हम सब का ख़ात्मा नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको हर ऐसे जुर्म से जराइम से बचाए जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो सकती हो